नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमें एक कैंडिड कन्वर्सेशन में उनके साथ जो कि एनआईआरसी के ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर हैं और अपना सेकंड टर्म सर्व कर रहे हैं और एनआईआरसी में जीएसटी कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। ऑल्दो इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक लाइन में इनको डिफाइन करना चाहूँ तो ये है जीएसटी की राह में हम सबके दोस्त सीए राजेंद्र अरोड़ा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी। सर देखिए, वैसे तो जीएसटी में आप हमारे गुरु हैं ही और हम हर बार आपसे क्वेरीज पूछते रहते हैं, जानते रहते हैं, आपसे नॉलेज लेते रहते हैं और हर बार आप हमारी हेल्प भी करते हैं, सबकी करते हैं। लेकिन सर आज हम आपको पर्सनली थोड़ा सा जानना चाहते हैं। प्रोफेशनली आप कैसे हैं ये तो हम सब जानते हैं, मेम्बर्स जानते हैं, लेकिन पर्सनली जो जीएसटी के नाम में हमारे दोस्त हैं वो सिर्फ जब सीए राजेंद्र अरोड़ा या फिर सिर्फ राजेंद्र अरोड़ा हैं तो वो कैसे हैं और वो क्या हैं। और व्यूअर्स हम इसमें बात करेंगे सर की लाइफ के बारे में, जिनको हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आज हम बात करेंगे सर की अर्ली लाइफ के बारे में, स्कूल डेज के बारे में, और नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे सर की जो सीए लाइफ है उसके जो स्ट्रगल्स रहे, चैलेंजेस रहे, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सर की जो लाइफ जर्नी रही है आज तक, वो किस तरह की रही है, कैसी रही है। और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या सर की एस्पिरेशंस क्या हैं, एम्स क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या है और क्या देखते हैं सर। तो सर प्लीज हम जानना चाहेंगे, व्यूअर्स हमारे जानना चाहेंगे कि सीए राजेंद्र अरोड़ा सीए बनने से पहले उनकी लाइफ किस तरह की थी, किस तरह के आपके स्कूल डेज थे। आई एम श्योर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में रहे होंगे सर और टॉपर रहे होंगे अपनी क्लास में, ये हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी सर हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं इस बारे में। योगेश जी धन्यवाद, इस बात को सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस बात को पूछने के लिए, इस सीरीज को चलाने के लिए। मित्रों मैं आप सबके बीच में काफ़ी साल से हूँ पब्लिक लाइफ में, तो आज मैं जो ये सवाल मुझसे मेरी अर्ली डेज की लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है, मैं आपको बड़ा कैंडिडली, जैसे इन्होंने कहा कैंडिड कॉन्वर्सेशन, तो कैंडिडली ही बताऊँगा। मित्रों मेरा जन्म जो है वो 1978 में हुआ और एक सिख फैमिली में, रिलीजियस सिख फैमिली में हुआ दिल्ली में, और मेरे पिता जो थे वो क्लॉथ मर्चेंट थे और माताजी मेरी नॉर्मल एक उस जमाने में आम तौर पे जो होता है एक होम मेकर थी। मेरा एक छोटा भाई है अभी, और जो अर्ली डेज थे उसमें बेसिकली When I was just 10, तो मेरे फादर साहब पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई, तो दिल्ली में हमारे रिलेटिव्स थे, हमारे मामा जी, हमारे दो मामा जी, तो उन लोगों थोड़ा सा दूर रहते थे दिल्ली में, उनसे मतलब वो शास्त्री नगर में रहते थे, राणा प्रताप बाग में। तो उस समय उन्होंने जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो उन्होंने हम सबको अपने पास शास्त्री नगर ही बुला लिया, और वहाँ जो स्कूल था वहाँ से छुड़वा कर फिर यहाँ पर शास्त्री नगर में एक सराय रोहिल्ला में स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी स्कूल है, अभी भी है, और द्वितीय पाली होती थी मतलब सेकंड शिफ्ट होती थी, मैं उस स्कूल में पढ़ा। और जब यहाँ पर आ गए शास्त्री नगर में तो हमारे मामा जी की एक प्लाईवुड की शॉप होती थी, तो मैं 7th स्टैंडर्ड से और 12th स्टैंडर्ड तक मैंने स्कूलिंग के साथ साथ वो प्लाईवुड की शॉप रेगुलर अटेंड की, लकड़ी की प्लाईवुड, लैमिनेटेड शीट्स, ब्लॉक बोर्ड, ये सब चीज़ें। तो मतलब अर्ली डेज की बात बताऊंगा आपको तो उस ज़माने में जो है टेलीफोन वगैरह और केबल वगैरह और तो कुछ होता ही नहीं था, तो जो मेरा रूटीन होता था नॉर्मली वो सुबह 9 बजे दुकान पर पहुंचने का होता था योगेश जी, दुकान को मैं खोलता था, साफ करता था, लगाता था, और 1 बजे तक मैं उस दुकान पर जो भी मेरी रूटीन ड्यूटीज़ होती थी, आमतौर पे सफाई करना और पानी पिलाना मेरी रूटीन ड्यूटीज़ होती थी, जो भी ग्राहक आते थे तो पानी मैं रेगुलर सबको मैं ही पिलाता था, तो फिर 1 बजे तक वहाँ होता था। शुरुआत की बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे शरीर बॉडी ग्रो करी तो क्योंकि वहाँ पर थोड़ा लेबोरियस वर्क होता था तो वो भी बताऊंगा आपको, तो 1 बजे मैं स्कूल चला जाता था, 1 से 6 स्कूल में रहता था और 6 बजे वापस आ जाता था वहीं पर उसी दुकान पे,
वहीं पर मेरे एक वहीं पर मामा जी मेरे ऊपर रहते थे सारे इकट्ठे उसी दुकान के ऊपर। वहां पर मुझे एक छोटी सी अलमारी दी गई थी जो कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जिसको आप कह सकते हैं मेरा था, और मैं घर से सुबह अपने कपड़े पहन के आता था, स्कूल ड्रेस वहाँ पहनता था और वहाँ से स्कूल चला जाता था, फिर वापस आकर सेम कपड़े पहनता था, स्कूल ड्रेस संभाल देता था, किताबें भी वही होती थी। तो जो पढ़ाई करते थे वो 1 से 6 में करते थे, और 7वीं क्लास से 12वीं क्लास तक मेरा यही रूटीन था। 6 बजे वापस आकर दुकान लगभग 10 बज जाते थे उसको बढ़ाने में, तो 10 बजे तक दुकान बढ़ा के फिर हम वहीं पर खाना खाता था मैं, और फिर जो है अपनी जो जहाँ पर मम्मी और भाई थोड़ा सा दूर था वहाँ पर होते थे, वहाँ रात को सोने चला जाता था। फिर सुबह हो गए, सुबह उठ के 9 बजे, किताबें कभी मेरे पास नहीं होती थी। जैसे आपने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा होनहार होंगे या टॉपर होंगे, तो अनफॉर्चुनेटली आपको निराशा होगी इस बात को जानकर कि मैं कभी भी होनहार नहीं था, और टॉपर तो मैं 11वीं 12वीं में ऑफकोर्स थोड़ा सा मैं अच्छा परफॉर्म करने लगा, लेकिन 10वीं तक तो आई वॉज ऑलवेज ऑर्डिनरी स्टूडेंट। लेकिन ये होता था कि ट्यूशन कभी नहीं लगाई इवन टिल 12th, और जो भी पढ़ा 1 से लेकर 6 बजे तक पढ़ा, और यही मेरी दिनचर्या होती थी वहाँ पर सुबह से शाम तक। ये मेरे बेसिक कुछ डेज की कहानी है आपको। तो सर अब स्कूल डेज आपने बताया है आपका 1 से 6 रहता था, लेकिन स्कूल के बारे में तो कुछ बताया ना सर। अच्छा, स्कूल में किस तरह से आपका रूटीन या किस तरह की आपकी पढ़ाई रहती थी, या शरारतें अगर आपने कोई की हो तो किस तरह की? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हाँ, जरूरी बात है, क्योंकि 1 से 6 ही हम पढ़ते थे, तो वो 1 से 6 का जो समय होता था बिल्कुल सड़क के उस पार सरकारी स्कूल होता था, इस सड़क के इस पार मेन रोड पे वो दुकान होती थी और सड़क के उस पार स्कूल होता था, हार्डली 5 मिनट्स का डिस्टेंस होता था। और मैं आपको दोनों किस्से सुनाता हूँ, कुछ दुकान के किस्से जो मेरे मामा जी की दुकान थी जहाँ पर मैं काम करता था, मतलब अनऑफिशियली काम करता था, रोल पर नहीं था तो और जो आज स्कूल पढ़ता था, क्योंकि स्कूल पढ़ रहा था तो कहीं काम नहीं कर सकता था, खैर उस समय तो हमें कुछ पता नहीं था, आज ही पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते। तो योगेश जी, 1 से 6 मैं आपको बताऊं, मुझे आज तक याद है कि मैंने कोई भी क्लास कभी बंक नहीं की 1 से 6 में 12वीं क्लास तक। हाँ, एक एक्सेप्शन रही कि 11वीं क्लास में, मतलब 10वीं क्लास तक बड़े ही जो है ना बड़े डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे, वैसे तो 11वीं 12वीं में भी रहे, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो 11वीं क्लास का मुझे एक बड़ा मज़ेदार किस्सा याद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ क्या कि हम 11वीं क्लास में केवल 20 छात्र थे, 20 स्टूडेंट थे जो कॉमर्स डिवीजन में थे, मेजॉरिटी आर्ट्स में थे, और उसके बाद सेकंड जो थे वो साइंस में थे, और हम सबसे कम थे कॉमर्स वाले। तो क्या हुआ कि 11वीं क्लास में मेरे 2 मित्र सुबह सुबह आए, मतलब जब भी हमारी क्लास शुरू होती थी 1 बजे लगभग, प्रेयर के बाद इमिजिएटली रस्ते में उन्होंने बोला कि भाई हम तो जो है ना आज मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने कहा यार स्कूल यार तू टेंशन लेता है पागल, हम तो जा रहे हैं। मैंने कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? कहते मोहरा देखने जा रहे हैं, अब अक्षय कुमार की और रवीना टंडन की, वो आपको गाना याद होगा तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो वो मूवी थी। तो मेरा भी दिल कर गया, मैंने कहा यार मैं भी जाऊंगा भाई। कहते तू नहीं जा सकता, तू रहने, तू तो सारा दिन क्लास में रहता है, और तू जाएगा ना तो पकड़े जाएंगे, तू तो सारा दिन क्लास में बैठता है तो पता लग जाएगा राजेंद्र गायब है तो कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं यार मुझे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो बड़ी मुश्किल से वो मान गए, बैग मैंने अपना क्लास में रखा और चलो जी ठीक है, हमने कहा ठीक है डिसाइड हो गया। अब क्या होता था कि बहुत ऊंची दीवार होती थी बैक साइड की, तो वो तो भाई साहब एक्सपर्ट थे, वो फटाफट कूद कर दूसरी तरफ निकल गए रोड के, रोड पे पहुंच गए, और मैं थोड़ा सा उतना एक्सपर्ट नहीं था दीवार फांदने में, तो मैंने वो दीवार फांदी, थोड़ा सा टाइम लगा। इतनी देर में वो जो चौकीदार था जो वहां का जो था वो केयर टेकर, उसने मुझे देख लिया और वो मुझे पहचानता था, अबे सरदार कहाँ जा रहा है, रुक जा, मैं फांद के निकल गया और हम मूवी देखने चले गए। शाम को जब आया तो पता लगा कि वो प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब हमें अकाउंट्स पढ़ाते थे, और वाइस प्रिंसिपल साहब को कंप्लेन पहुंच गई, वो आए और मेरा बस्ता उठाकर अपने रूम में ले गए। तो योगेश जी पहली बार मैंने जिंदगी में बंक मारा और पकड़ा गया 11वीं क्लास में, और उसके बाद मैंने कालो हाथ लगाया, मैंने कभी स्कूल मिस नहीं किया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मतलब एक स्कूल का और एक किस्सा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ। 8वीं क्लास तक हमने पंजाबी पढ़ी, तो 7वीं क्लास में जब हम वहाँ पहुँचे स्कूल में, तो हमें एक सरदार सर थे जो पंजाबी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते थे,
तो सरदार सर का मुझे नाम नहीं पता क्योंकि किसी को भी नाम नहीं पता था, सब उन्हें सरदार सर ही कहते थे। तो सरदार सर बहुत बहुत सीरियस और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही सख्त होते थे। तो क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में नॉर्मली आपको पता है कि बजट आता है खर्चे वर्चे का, तो गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल की मेंटेनेंस, रंग रोगन, पेंट पॉलिश, तरदेती, ये सब टूट फूट ठीक होती है। तो प्रिंसिपल साहब सरदार सर को हर बार इस बात की जिम्मेदारी देते थे कि भैया आपने गर्मी की छुट्टियों में इसको काम को करवाना है। तो एक दिन उनको बाई चांस पता लगा कि मेरी मामा जी की प्लाईवुड की दुकान है और मैं वहां पर काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई राजेंद्र तुम हमारे लिए काम करवा दो, हमें बंदे अरेंज करा दो, काम करा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं करवा दूंगा। तो बंदे अरेंज करवाए और मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हो गया और मैंने सारा काम अपने लेवल पर खुद जिम्मेदारी लेके करवा दिया। अब योगेश जी आप मानेंगे नहीं, सातवीं क्लास से लेकर बारहवीं क्लास तक भले ही सरदार सर हमारे टीचर नहीं रहे लेकिन बारहवीं क्लास तक वो ठेका जो था वो मेरे पास था, हर साल मेरे पास काम आता था कि भाई राजेंद्र को हर गर्मी की छुट्टी में, क्योंकि हमने तो कभी नानी के घर जाना नहीं होता था, हम तो परमानेंटली नानी के घर होते थे तो हमें तो कोई समस्या ही नहीं थी। तो हर गर्मी की छुट्टी में मैं 10 दिन जो है लगभग, मैं 10-15 दिन लगभग जो है वो पूरे स्कूल की मेंटेनेंस, रंग रोगन, टूट फूट जो भी होना होता था वो मैं करता। तो ये मतलब स्कूल के कुछ हमारे जो कहते हैं ना अतरंगी किस्से हैं, जो मतलब कुछ शैतानी भरे कुछ जिम्मेदारी भरे, ये आपको आपने पूछे तो मेरे दो किस्से जो मेरे बहुत मेरे भी पर्सनल फेवरेट है मैंने सुनाए। सर आपने बात की मोरा पिक्चर की तो चीज बड़ी है मस्त, मैं सच बताऊं तो मुझे तो गाना याद आया टिप टिप बरसा पानी। हाँ बिल्कुल सही बात है, और टिप टिप बरसा पानी भी बहुत उसका जो है फेमस गाना सर ये तो हुए स्कूल के बारे में, जैसे आपने बताया आप शॉप पे भी होते थे तो वहाँ किस तरह की जिम्मेदारियां रहती थी, क्योंकि स्कूल के साथ काम को मैनेज करना और इतनी यंग एज में मैनेज करना आई एम श्योर एक चैलेंज रहता हो। देखिए योगेश जी सच बताऊं मैं तो उस पीरियड को अपना गोल्डन पीरियड मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर वो ना होता तो मैं आज यहाँ ना। उस पीरियड ने मुझे पिताजी के जाने के बाद अर्ली डेज में जिम्मेदारी लेना सिखा दिया, और विश्वास कीजिए सर मैं 11 साल का था केवल जब पिताजी गए, और 12वें साल में मैं वहाँ पर दुकान पर बैठा, लगभग 5-6 साल मैंने वो दुकान पर काम किया। तो 12 साल का बच्चा, लगभग 11 साल एंड में ही था, तो 11 साल का बच्चा और वहाँ पर पहुँच गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपना सारा श्रेय जो है अपनी मतलब अपनी सक्सेस का और अपनी जो भी मैं थोड़ी बहुत समझदारी और विजय मैंने प्राप्त किया वो उसके कारण ही की है। एक तो छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। हमारे वहाँ पर ना एक आरा मशीन होती थी, हमारी लकड़ी की दुकान थी तो आरा मशीन, सॉमिल लकड़ी काटने की मशीन, तो हमारे पास कस्टमाइज लकड़ी काटी जाती कि भाई इस साइज की हमें इतनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े लॉग्स आते थे लकड़ी के, 10 फीट लंबे, 10 इंच चौड़े और 5 इंच मोटे, तो वो लगभग एक लॉग जो है वो 30-35 किलो का होता था। तो खैर हमारा बड़ा मतलब जब मैं 8वीं 9वीं तक आया तो मैं वो लॉग अपने कंधे पे उठाकर लगभग 50 मीटर अंदर तक लगाकर प्रॉपरली उसको लगा देता था। और आरा मशीन का एक मुझे बड़ा अद्भुत किस्सा याद है कि जैसे कि आरा मशीन जो सॉमिल चलाने वाला जो ड्राइवर होता है जो फ्रंट से पुश करता है, लेकिन जो पुल करता है ना उसका भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो आमतौर पर हमारा पुलमैन जो होता था वो होता नहीं था, अवेलेबल नहीं होता था क्योंकि कॉस्ट होती थी, तो कोई भी पुलमैन बन जाता था। तो वहां का परमानेंट पुलमैन मैं था, जब तक मैं स्कूल में नहीं हूँ मैं परमानेंट पुलमैन था, मैं आरा मशीन पे वो लकड़ी खींचता था। फिर धीरे धीरे योगेश जी ऐसा हुआ कि मुझे लकड़ी खींचने के साथ साथ लकड़ी काटना भी आ गया। तो एक ये बड़ा मजेदार किस्सा, और एक मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा और सुनाता हूँ कि उस जमाने में हम मेरे को जैसे आपने काटने की बात की लकड़ी काटना मतलब बात हुई हमारी, तो प्लाईवुड काटना जो है बीच में से किसी भी स्टैंडर्ड्स पर कस्टमाइज साइज पे वो भी एक बड़ी आर्ट होती थी। काट तो कोई भी लेता है हैंड सॉ से, लेकिन सीधा काटना एक बहुत बड़ा एक आर्ट होती थी, एक चैलेंज होती थी। और सर मैं आपको बताऊं मैं तो बड़ा प्राउडली कहता हूं कि मैं I was one of the fastest cutter and the straightest cutter. Fast और straight मतलब raw power होती थी उस समय body में, I am talking of 13-14 साल, तो सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा सीधा।
फिर उसके बाद वो लैमिनेटेड शीट काटना इज ऑल्सो यूज टू बी चैलेंज। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लैमिनेटेड शीट मतलब ये देखिए बड़ी अजीब सी बातें हैं, आप कहोगे जीएसटी पढ़ाने वाला आदमी ये क्या बता रहा है। नहीं सर, हम एक्चुअली जीएसटी के अलावा ही कुछ आपसे आपके बारे में सुनना चाहते थे, तो सर हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, तो प्लीज शेयर करें। तो मुझे भी मजा आ रहा है सर, क्योंकि मैं तो कहूंगा कि ये मेरे हॉलमार्क है मेरे करियर का, मेरे लाइफ का। तो वो क्या होता था मैं आपको बताऊं मित्रों, लैमिनेटेड शीट इज लाइक अ ग्लास, उसको अगर मिस हैंडल किया तो वो फौरन से टूट जाते हैं, और वो टूटकर नुकसान तो वो तो नुकसान होता ही, वो हाथ कैप कुछ भी कट सकता है, आंख में लग सकती है, उसको गोल करना और उसको बांधना यूज टू बी नॉट। सो आई वॉज कि मैं जमीन पर लैमिनेटेड शीट नहीं रखता था, मैं पैर पे ही रख के उसको गोल कर देता, और मुझे कोई भी बंदा ना हो तो मैं अपने गोल किए हुआ अपने ही हाथ से उसको, एक हाथ से मैंने यूं दबाया हुआ है और दूसरे हाथ से इस दोनों दो हाथ को यूज करते हुए उसको एक तरफ से बांधता था और दूसरी तरफ से बांधता। तो ये कुछ ऐसे किस्से हैं जो कि हमेशा यू नो यादगिरी रहते हैं। तो जो मैंने आपको बताया मेरा तो मतलब बचपन इस तरह से बीता, और बड़ा ही मैं उसको मानता हूँ कि मुझे बड़ी अंदर से बड़ी तसल्ली है, संतुष्टि है। मैं तो और आपको बात बताता हूँ, जब हम सामान उठाते थे तो वजन हैवी सामान होता था तो उस समय हाथ में गांठे बन जाती थी, वो गांठे हम ब्लेड से काटते थे, वो कटती नहीं थी। और आज आप मुझसे कहें कि जरा सी कोई रस्सी बांध दिए तो हाथ में जो है छाले बढ़ जाते हैं। तो वो जमाना मतलब वो टाइम जो था, दैट वॉज मोस्ट आई वुड से द मोस्ट सिग्निफिकेंट लाइफ टाइम ऑफ माई लाइफ। सर बड़ा मज़ा आया आपके बारे में, आपके किस्से सुन के, और उम्मीद करेंगे आगे भी जैसे जैसे हम इस सीरीज में बढ़ते जाएंगे तो और बहुत कुछ हमें सर के बारे में भी जानने को मिलेगा और इस तरह के और मज़ेदार किस्से सुनने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट पार्ट को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।